हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ सीख कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए, मैं एक ही कबाब के बैटर से मैंने दो शेप के कबाब बनाकर तैयार किए हैं, एक लंबे वाले और एक गोल वाले। तो ये कबाब बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल देखने में लग रहा है ना कि जैसे इसे मैंने चारकोल के आग पर बनाया है, लेकिन नहीं, इसे मैंने गैस पर बनाया है, कढ़ाई में बनाया है। और देखिए, ये बहुत ही टेस्टी बना है, बिल्कुल लग रहा है जैसे इसे चारकोल के आग पर बनाकर तैयार। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 750 ग्राम कीमा है, इसमें मैंने पुदीना, 7-8 हरी मिर्च और लहसुन अदरक, ये सभी डालकर मैंने कीमा तैयार कर लिया है। ये पपीता पेस्ट, 2 बड़ा साइज का प्याज, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर और ये है जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून और ये है ब्रेड क्रम्स। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए सारी चीज़ें, 4 ब्रेड का मैंने ये ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसमें सबसे तो ये पूरा ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें कीमा में डाल देंगे, ब्रेड क्रम्स, पपीता पेस्ट और वो 2 बड़ा साइज का प्याज, इसे मैंने कूट करके इसका पानी निचोड़ कर निकाल दिया था ताकि जब कबाब बनाए तो ये बैटर गीला ना हो। तो ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे कीमा में और ये है चिल्ली फ्लेक्स और थोड़ा सा पपीता पेस्ट है। अगर आपके पास पपीता पेस्ट नहीं है तो आप ना भी डालें, क्योंकि ये कीमा है, इसको गलने की इतनी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास पपीता था, कच्चा पपीता, इसलिए मैंने पपीता पेस्ट डाल दिया है। और अब इसमें 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, इससे जूसी होगा कबाब। तो देखिए, मैंने सारे मिक्स कर लिया है और इस तरह का एक पेंसिल लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से कबाब बना लेंगे, सीख कबाब जैसा होता है ना वैसा ही शेप देंगे इस पर। ये देखिए, बिल्कुल सीख कबाब की तरह। तो इसी तरह से सारे कबाब बना लेंगे और बना करके इस तरह से निकाल लेंगे पेंसिल के ऊपर से, इसे हल्के हाथों से निकाल लेंगे। तो देखिए, ये सारे मैंने कबाब बना लिए हैं। तो ये जो लंबे वाले कबाब बनाए हैं, इसमें मैंने नींबू ऐड नहीं किया है। अब जो गोल कबाब बनाएंगे उसमें थोड़ा सा मैंने नींबू का जूस ऐड कर दिया है, तो ये थोड़े से चटपटे बनेंगे। तो देखिए, मैंने नींबू का जूस, हाफ़ लेमन जूस ऐड कर दिया है। और अब इसमें हाथ पर इस तरह से तेल लगा लेंगे और थोड़ा सा कीमा का बैटर लेंगे और इस तरह से गोल कर लेंगे। गोल करके हथेली पर रख कर गोल करेंगे और इसे थोड़ा सा दबाकर कबाब का शेप देंगे। तो देखिए, इस तरह से चिकना कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा चिकना चिकना कबाब बन रहा है। तो हाथों पर तेल लगा के बनाने से बिल्कुल भी चिपकता नहीं है और देखिए शाइनिंग कितना आया कबाब में। तो इसी तरह से मैंने गोल कबाब भी बना लिए, लंबा कबाब भी बना लिया। तो देखिए, मैंने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए, लंबे वाले और गोल वाले भी। और इस तरह से कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और ऑयल गर्म होने के बाद इस तरह से कबाब कढ़ाई में फैला कर डाल देंगे
और उसे इसे एक साइड से फ्राई होने देंगे, तभी दूसरी साइड पलटेंगे। तो और इसे थोड़ा सा ढक देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो अब एक साइड से फ्राई हो गया है और अब इसे दूसरी साइड पलट लेंगे। तो फ्रेंड्स, कबाब को हमें वो लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो देखिए, मैंने लो फ्लेम पर इसे फ्राई कर लिया है, ये चारों तरफ से लाल हो गया है, फ्राई हो गया। तो मैंने निकाल लिया लंबे वाले कबाब, और अब इसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर गोल वाले कबाब फ्राई करेंगे। तो आप जितना फ्राई खाना पसंद करते हैं, तो आप ज़्यादा तेल वाला पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा तेल भी डालकर फ्राई कर सकते हैं, कम तेल पसंद करते हैं तो कम तेल भी डालकर फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए, ये मेरे गोल वाले कबाब भी फ्राई हो गए, इसे मैंने दोनों साइड से उलट पलट कर फ्राई कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसी लगी मेरे कबाब की रेसिपी, कमेंट करके बताइएगा। और न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। तो चलिए, मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।